काफ़ी किया जाए। पूनम जी, सम्मानित जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे यू साहब, जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं, प्रेस के साथी, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने 7 महीने बाद ये मीटिंग रखी है, जो कि आपको बहुत पहले रखनी चाहिए थी। आप एक बात बताइए, बहुत सारे पार्षदों ने ये बात कही कि पिछले 7-8 महीने से आपकी मीटिंग नहीं हुई है। आज जो शहर की दुर्दशा है, उसका कारण यही है कि जब तक 7-8 महीने तक आपकी मीटिंग ही नहीं होगी, तो आप अपनी बात जो है, जो जनप्रति बन के आए हैं, वो तो बात आप तक पहुंचाएंगे कैसे? आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारे साथियों ने कही, पिछले जो ये मानसून का सीजन गया, पूरा शहर ओवरफ्लो रहा, उसके अंदर आपने अब तक क्या कार्रवाई करी उसके बारे में इसमें कुछ मेंशन नहीं है। एक साथी ने अभी कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं नगर परिषद में, और उनका बहुत अच्छा सुझाव है कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो बाजार में लगने चाहिए। मैं उससे पूर्ण तरह से सहमत हूँ और उसको आपको इसके अंदर डालना चाहिए। अतिक्रमण की बात यहाँ पर कही गई, पूरा शहर जो हमारा है अतिक्रमण की वजह से त्रस्त हो रखा है, आपने अब तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? शुरू में जब हमारे यहाँ पर चेयरमैन साहिबा बन के आई, बहुत सारे मेंबर बन के आए, आप सब लोगों ने अतिक्रमण की ड्राइव चलाई, आप बताइए अब तक उसके अंदर क्या रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट आया उसके अंदर? उसका यूज क्या था बनाने का, जब वहीं वो रेडियां लगी हुई है, आज तक उनको आप लोगों ने कोई जगह नहीं दी, इसका फायदा क्या हुआ? आप ये बताइए, वो जो पीएमजी मॉल है, उसके साथ आपका पहाड़ बना हुआ है, उसका इतनी सारी आप लोगों ने ये गाड़ियां ले ली हैं, उसका यूज क्या है? और सबसे बड़ी बात ये, साहब एक तो आप मुझे ये बताइए, ये जो एक मिनट आप जाइए, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, आप मेरे बात बोलना। करोड़ों रुपए की आपने एक मशीन ली थी सफाई करने के लिए रोड की, उसकी क्या आज हालात है आप हमें ये बता दीजिए? वो आज कहाँ पर है, कहाँ वो चलती है, क्या उसका हुआ है, आप मुझे ये बताइए। आपने इसके अंदर डाला हुआ है कि हम नई मशीन लेके आएंगे सफाई के लिए, आप पुरानी वाली का तो बताओ आपने, उसका क्या हाल है? जी, आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले डंपिंग पॉइंट्स की बात की, चेयरमैन महोदय ने कार्यकाल संभालने से बाद में हमारे इस शहर में 30 डंपिंग पॉइंट्स थे, जिनमें से 20 हटा दिए गए हैं, जिनके फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों को भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि जितने भी डंपिंग पॉइंट्स थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन स्कैंडल पॉइंट्स जो योजना से हर शहर में बड़े शहर में होते हैं, और वहाँ से हमें तो उठा के हमारे पॉइंट्स पर लेके जाते हैं। दूसरा मैं उदाहरण जी को बताना चाहता हूँ कि पॉइंट्स पर पहले जो गंदगी का ढेर था, हमारे चेयरमैन साहिबा ने कार्यकाल संभालने के बाद में वहाँ पर आज के दिन का जो पहले धुआं उठता था, ये मीडिया के साथी बैठे हैं इनको पता है, आज वहाँ बिल्कुल भी धुआं नहीं उठता। तीसरा मौका था कि स्विफ्ट मशीन के साथ जीपीएस लगा हुआ है, और हमारे शहर के बहुत सारे लोग रात को उसको देख सकते हैं, क्योंकि दिन में आवाज रही दिक्कत होती है, इसलिए शाम को रोड के फंक्शन करती है, उसमें जीपीएस लगा हुआ है, और शहर के बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा शहर में लगे हुए चौकों में, आप सीसीटीवी फुटेज से उसकी चलती हुई भी आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। धन्यवाद सर। एक और बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि रोज वो जो आपकी मशीन है वो चलती है? दूसरा ये, आपकी इतनी सारी स्ट्रीट लाइट है जो शहरों में लगी हुई है, वो रात को जलती नहीं है, दिन में बहुत बार हमें वो दिखाई दे जाती है जलते हुए, एक तो आप उसकी तरफ बहुत ध्यान दीजिए, आपकी स्ट्रीट लाइटें बहुत सारी ऐसी हैं जो रात को नहीं जलती हैं। तीसरा आपका ये है, जो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है कि जो ये सफाई कर्मचारी है ये बराबरी से नहीं बटे हुए, आप इसके तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोगों की शिकायतें आती है कि कुछ वार्ड पार्षदों को तो आपने बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और कुछ को बिल्कुल नहीं मिला हुआ है। कर्मचारी नजर आए थे उसके बाद से आज तक मैंने तो कहीं आपके सफाई कर्मचारी नहीं देखे। एक तो आप उनको सबको चिन्हित कराइए, पहचान कराइए कि किसके वार्ड के अंदर
कितने पार्षद हैं, और मैं तो फुली अग्री करता हूँ कि आबादी के हिसाब से आप क्यों नहीं करते हैं इनको, भाई जो अगर वार्ड छोटा है तो उसमें कम करें, अगर कोई बड़ा वार्ड है तो उसमें ज्यादा दें। इसके अंदर तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश आता है, ये काम तो आपका ही ऊपर से थोड़ी आएगा, डिविजन जो होगी स्वीपर्स की वो तो आप करेंगे ना, वो और कौन करेगा सर। मेरा आपसे इसमें कि हमारे शहर में बहुत सारी मार्केट्स हैं सर, बहुत सारे दर्जनों बैंक्स हैं सर, और हमारे सीएसआई जो प्रशासनिक तौर पर पूरी कार्रवाई को देखते हैं, जहाँ जरूरत होती है उसके हिसाब से वो प्रशासनिक फैसला है सर, उसको पॉलिटिकल फैसला हम कतई लागू नहीं कर सकते सर। थैंक यू। मैंने आपको ये पॉलिटिकल है क्या, मैंने आपको कहा ये पॉलिटिकल है? आई सेड क्लियरली कि कुछ वार्ड पार्षदों को ज्यादा दे रखा है, किसी को कम दे रखा है। मेरा कहने का आपसे मकसद ये है कि आबादी के हिसाब से आप उनको देना, किस वार्डों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ के अंदर बहुत ज्यादा है, आप उनको डिवाइड करें। आप ये मानते नहीं है कि शहर के अंदर गंदगी के ढेर लगते हैं सर, आप मुझे बताइए आप ये मानते नहीं मानते, या तो आप कह दीजिए शहर के अंदर गंदगी के ढेर, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है सर। गंदगी एक हर दिन प्रोसेस है, सफाई करवाना जब भी गंदगी के ढेर हमारी, फिर भी हमारे सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो गंदगी को जहाँ से जनरेट होती है वहीं पर रोकने का काम करें। आप मॉल के बेसहारा पशु की रूटीन प्रोसेस है आपकी सर, पीएमजी मॉल के सामने जो आपको 100-100 ये बेसहारा पशु दिखते हैं, ये भी रूटीन प्रोसेस है। कितने दिन हो गए आपको टेंडर लगाए हुए? आप अभी ये ना पार्षद साथी ने कहा था कि पिछले आपका जो आया था वो टेंडर लिए दे सा रहा पशुओं का था, आज 8 महीने बाद भी सेम टेंडर अगर आप दोबारा लगा रहे हैं तो उसका यूज क्या है? एक एजेंसी आई थी और वो भी अपने आकस्मिक फॉरफिट करा के चली गई, वो काम नहीं करना चाहते। अब दोबारा टेंडर लगाया, टेंडर 3 आ चुके हैं, 3 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया है और अब वो अप्रूवल पे है, तो या 3 दिन में उसका मतलब जारी कर। तब तक आप हम ये देखेंगे कि शहर में बेसहारा पशु नहीं दिखेंगे, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा, 3 डेज के बाद हमें बेसहारा पशु नहीं दिखेंगे। आप टाइम लाइन दे दो, 3 दिन मत कहो, आप 1 महीना कह दो, 1 महीने के अंदर उनको लिफ्ट करने में टाइम लगेगा। मैंने आपसे वही कहा ना, आप टाइम लाइन दे दो, कितने दिनों में लोगों को नजर नहीं आएंगे सर। मैं तो अवगत कराना चाहता हूँ, पशु हम लगातार पकड़ते रहेंगे सर, आगे भी पकड़ते रहेंगे, और हमारे शहर में जो बाहर से आने वाले लोग हैं सर, जैसे इग्नोर करते हैं वो वहाँ पे गायें रह जाती हैं, हम उसको रूटीन में पकड़ कर हमारी जो बाहर का रोजगार है सर उसमें भेज रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 साल पहले रिवाड़ी को कैटल फीड क्लियर किया था, आपको पता है ये बात ना? पता है ना सर, आपने 1 साल पहले कैटल फीड क्लियर कर दिया, आज भी आपके यहाँ पर पशु है। पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कैटल फीड अनाउंस कैसे किया था सर। मैंने आपको सब बताया कि ये हम लगातार पकड़वाते प्रोसेस है, आपने कैटल फ्री हो गया है और आप कैटल यहाँ पर है सर, जैसे कैटल फ्री हुआ फिर कोई रास्ता निकल सकता। 1 साल पहले मतलब आप मान गए कि कैटल फ्री था सर, जब भी हमारे यहाँ गाय अच्छा लगता है। एक बात बताइए, 1 महीने बाद आपको लगता है कि हम कैटल फ्री हो जाएंगे सर? हम लगातार पकड़ते रहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी सर, और लगातार इस प्रकार का जारी होगा सर। इम्प्रूवमेंट होगी नहीं होगी ऐसे ही बात है, बिल्कुल सर इम्प्रूवमेंट देंगे सर। ठीक है जी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी। दूसरा, जो आपने अभी तक मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया कि आप डिवीजन कैसे करेंगे सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, या तो आप इन लोगों को बताओगे कि इनके पास कौन सा कहाँ काम कर रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे पार्षदों का फोन आता है कि जब हमें बता तो रखें कि हमें 6 दे रखें, पर हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से पॉइंट पे है, या तो इनका ये जो इशू है ये आप क्लियर करिएगा। ठीक है जी, इस इशू पर सर शहर के आज बहुत बुरे हालात है, आप नए अभी आए हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगा शहर को इम्प्रूव करो, क्योंकि हमें अभी कुछ पार्षद कह रहे थे कि हमें बड़ी शर्म आती है कि हम यहाँ के मेंबर हैं, यहाँ के लोगों को भी बड़ी शर्म आती है कि हम रिवाड़ी शहर के अंदर रहते हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं है। ये इम्प्रूवमेंट आप लोग दिखाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सर को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो
मेरे बहुत सारे संगत के साथी बैठे हैं, महिलाओं भी बैठे हैं, माता साहब बैठे हैं, तो किस कल्चर से शुरू करके भाग कर दिए। और एक और जी, आपकी जो ये जो आपकी लाइट की ट्रैफिक लाइट, ये अब कोई भी नहीं चलती है, इसके ऊपर क्या आपका वो है? हमने करोड़ों रुपए सरकार के इसके ऊपर खड़ी करी, ट्रैफिक लाइट का बताओ, आपने लगा दी है इतने चौकों पर, इतने पैसे लगा दिए, उसका अभी तक कोई काम नहीं करती है, इसका यूज क्या हुआ? पहले ट्रैफिक लाइट हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दी, अभी पीछे दो महीने पहले एस पी साहब का लग रहा है कि ये खराब हो गई है और इनको रिपेयर करना है, मैंने टेंडर लगवा दिया, आज ही टेंडर खुला है। कभी चली थी वो? सर पहले तो चली थी कभी वो? मैं आपको जाता था सर, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अब ये आपको अगले 15 दिन में दोबारा चालू है। सीसीटीवी कैमरे की मेरे को आप डिटेल दीजिएगा कि कितने शहर में कहाँ कहाँ लगे हैं, कितने काम करते हैं। मैं इसका क्वेश्चन भी लगा रहा हूँ वैसे तो प्रिविलेज के अंदर, उसका क्वेश्चन तो आपके पास आ ही जाएगा, पहले दे देंगे तो ठीक रहेगा।